तो रवि भाई आज प्रेसिंग यूनिट में क्या कर रहे हो यार? एक्टिंग कर रहे हैं। हेलो, कैसे हो रवि भाई? जी हाँ, मैं बहुत बढ़िया। आप आज प्रेसिंग यूनिट में कैसे? जी हाँ, आज एक्चुअली थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर का माल सब सही से प्रेस हो रहा है या नहीं, या टैग हो रहा है या नहीं, या पैकिंग हो रहा है या नहीं। तो क्योंकि ये माल ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? कि ये देखो, ये सारा माल कस्टमरों को जा रहा है। जी हाँ, चेक कर रहे हैं कि सही से प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देख लीजिए, कुछ आइटम्स हैं यहाँ पे प्रेस हो रहे हैं। स्टीम प्रेस होती है ये, पूरी की पूरी आप देख पा रहे हो। पूरा यूनिट लगा हुआ है स्टीम प्रेस का, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये देखिए सर, यहाँ पे स्टीम प्रेस चल रही है और टैग भी लग रहे हैं हाथ पे। जी हाँ। तो रवि भाई, हुआ क्या, लास्ट वीडियो आपने लेडीज जीन्स खोल के दिखा दी। हाँ। अब जो हमारे मेंस कस्टमर है, जो मेंस की जीन्स खरीदना चाहते हैं, वो कहते हैं यार हमें तो आपने कुछ खोल के दिखाया नहीं मेंस की जीन्स। तो अब क्या करें, क्या देखना है क्या? हाँ यार, मेंस जीन्स भी दिखाओ, कस्टमर पीछे पड़ रहे हैं कि यार लेडीज जीन्स खोल के दिखा दी, मेंस जीन्स दिखा नहीं रहे। चलो, है क्या यहाँ पे मेंस का जीन्स कहीं पर रखा हुआ है? अच्छा ठीक है, चलो यही वाला है। चलो ठीक है, तो दोस्तों इसको पहले मैं साइड करता हूँ। हम खोल के दिखाएंगे मेंस की जीन्स, और आज हम रवि भाई के प्रेसिंग यूनिट के अंदर है। ये देखिए, सारा माल प्रेस होता है, और साथ ही साथ ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। कोई जो कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, एक दो महीना पहले भी बुक कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पहले ही समझ का माल, हाँ। स्टॉक खत्म होने से पहले बोल देते हैं भाई ए ग्रेड वाली बेल, एडवांस देकर बुक कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर दिखा हुआ रवि बुक्ड। अच्छा अच्छा, रवि भाई एक चीज बताए, पहले ये बेल कितने किलो की होने वाली है? 80 किलो की बेल है, पूरी मेंस की यहाँ पर जींस निकलेगी। 80 किलो की बेल है, ए ग्रेड होने वाला है, पूरा ए ग्रेड, मतलब 5% से ज्यादा इसमें रिजेक्शन नहीं निकलने वाला। और दोस्तों देखो, 5% इसलिए बोलना पड़ता है कि ये सारा बाहर से पैक होके आता है। हाँ। ठीक है, हमें नहीं पता होता इसके अंदर क्या निकलने वाला है, होता ए ग्रेड है। तो कई बार ऐसा होता है जब इसे उठाते हैं, कुंदा फंसाते हैं, तो बाई चांस थोड़ी बहुत जींस रिजेक्ट हो जाती है, थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये नहीं कि सारी बेल में निकले, लेकिन कुछ बेल में कह के चलते हैं कि 5% exactly. हो सकता है। yes. लेकिन इसके प्राइसेस और क्वालिटी ऐसी होती है, वो सब कवर अप हो जाता है। इसकी एक पीस आप यूजुअली क्या करते हो, ये जो आपने जैसे जींस पहना हुआ है, वो कितने में खरीदा है? मैंने तो भाई ये 1500 की जींस खरीदी थी। यहाँ पर आपको वही वैसा ही जींस 150 से कम में मिल जाएगी। 150 रुपए में जींस ब्रांडेड, यस, ऐसी स्ट्रेचेबल, यस, क्या बात है रवि भाई। थोड़ा सा एंगल थोड़ा पीछे हो जाती है तो अच्छा, मतलब व्यू आ जाता है खोलते हुए जींस का। ठीक है अभी, हाँ अभी ठीक है। अभी तो भाई ये वाली अब बेल खोल के दिखा दो, कस्टमर इंतजार कर रहे हैं, देखना है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं, खोलते हैं। ये रही बेल और जींस ए ग्रेड, ये देखिए प्राइसेस बताएंगे आपको जब आप माल देख लेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए जी हाँ, ये हो गया, खुल गया, ये पूरी, ये देखो दोस्तों, ए ग्रेड में जींस साफ सुथरी। एक सेकंड रवि भाई, ऐसे दिखा दो दोस्तों, ऐसे ही माल का पता लग जाता है कि क्या माल होने वाला है, ऊपर ऊपर से पता लग रहा है ए ग्रेड है कि नहीं है। ये देखिए साफ सुथरी है पूरी, पूरी ए ग्रेड में। रवि भाई जैसे हम करते हैं ना, जैसे आपने पहला पीस उठाया, जी हाँ ठीक है, हाथ के हाथ ना इसे प्रेसिंग के लिए दे दो, जिससे पता लग जाए कि प्रेस होने के बाद क्या पीस। अच्छा आप देख लो दोस्तों, ये बिफोर, ठीक है, ये बिफोर है, आफ्टर भी मैं दिखा दूंगा। हाथ के हाथ आपके सामने प्रेस हो रहा है, यहाँ पे स्टीम प्रेस, यहाँ पर इसको थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा प्लीज, और टैग भी करके दिखा दूंगा। अच्छा टैग भी लगवा के दिखाएंगे, टैग और एक पन्नी भी, यहाँ पर पन्नी भी अवेलेबल है दोस्तों। टैगिंग और पैकिंग सब हो जाने वाली है, और आपको साथ के साथ ये जींस भी दिखाते रहेंगे जब तक वो रेडी हो रहा है स्टॉक, या साथ में करके दिखाएंगे। टैग मैं लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये बहुत इजी है और टैग लगाना, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कि अगर अपना प्रेस का इसका कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो अपने वहां पर भी प्रेस सेटअप कर सकते हो। अच्छा अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि अगर कोई चाहे कि बेल खरीदे और अपने पास भी प्रेसिंग कर सकते बस, और बस, बस, कर सकते हैं जी। और कोई चाहे कि सरदर्दी नहीं लेना चाहता तो 6 रुपए में सिर्फ, जी हाँ सिर्फ 6 रुपए में भैया के पास से ये माल रेडी करवा सकते हैं। और ये सब जो साथ ही साथ ये सब जो बंडल्स आप देख पा रहे हो चारों तरफ, जी ये ऐसे इसमें बंडल में सीधे कस्टमर के पास चली जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब ये रेडी माल है, रेडी है पूरा, ठीक है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पर जैसे टी शर्ट्स का ये देख लीजिए, टैग के साथ पैक हुआ, टैग के साथ पूरी रेडी लगी हुई है, पिन्नी पैक, पहले वो प्रेस, फिर वो पिन्नी में पैक, फिर ऐसे बोरे में पैक, पूरा काउंट होके, ऐसी बात है रवि भाई। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये पीस, यहाँ पर देखिए इसको मैं, यहाँ पर आप थोड़ा सामने दिखा दीजिए, ये देखिए इसको मैं अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके, ये लग गया टैग, टैग लग गया, ठीक है। और ये सीधा प्लास्टिक में अगर डाल के अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर रख दूँ, आप देखो अब दोस्तों ये तैयार हो गई है शोरूम में बिकने के लिए।
ये पन्नी, ये देखो वो टी शर्ट की पिन्नी है, इस वजह से ऐसी लग रही है। आप देखो, लेकिन जीन्स की पिन्नी अलग होती है क्योंकि टी शर्ट का माल यहाँ रेडी हो रहा है। तो दोस्तों ये शोरूम पे बिकने के लिए रेडी हो गई है। यही माल बाहर आपको 600-600 रुपए 500-500 रुपए का रिटेल होता है। और रवि भाई के पास कितने का मिलता है हमारे यहाँ आप बताइए कितने का हो सकता है। 100 किलो की बोरी परचेस, ये बेल परचेस करता है गांठ, तो एक जींस उसे कितने की पड़ेगी? कम से कम 300 की तो पड़नी चाहिए। एक जींस आपको 130 से 140 रुपए पड़ेगी। ये दोस्तों 130 और ये 140 रुपए में जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रेस पन्नी टैग के साथ पर पीस पूरा रेडी माल 130 पूरा रेडी माल। ये जो है खोल के कस्टमर को दिखा दो, ये 140 रुपए की पूरी रेडी माल है। ठीक है, पूरी रेडी, बहुत शानदार। ठीक है रवि भाई, इसे एक बार खोल दो। जी हाँ, एक बार ये भी खोल दो। बिफोर इसमें बेल में से निकल रहा है वो भी। चलिए बिफोर तो आपने देखा, ये रख दो उधर। ये देखिए, ये इसमें आइटम है ए ग्रेड वाला, ये है बिफोर। और ये साथ ही साथ ये आफ्टर। और ये दोस्तों आपके सामने ही प्रेसिंग हुई है, टैग लगा है। और जीन्स की क्वालिटी आप देखो, पीछे जो पैच होता है ना इससे पहचान सकते हैं, बिल्कुल नया पैच है। बहुत कम मुझे लगता है यार कोरिया के लोग कपड़े यूज ही नहीं करते। ये देखिए, नहीं के नहीं ऐसे दे देते हैं। रवि भाई थोड़ी देर ऐसे ही एक बार रख दीजिए, थोड़ा मतलब कस्टमर देख लेगा कि क्या पीस होता है। दोस्तों बेल में समझ नहीं आता कि क्या माल है, जब ये रेडी होता है ना जब पता लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये जीन्स आप हंस हंस के भी 600-700 रुपए की आराम से बेच सकते हैं। जी हाँ जरूर, ये ठीक है। और कोई चाहे होलसेल शुरू कर सकता है, 2-3 बेल परचेस कीजिए, होलसेलिंग शुरू कर दीजिए। जी हाँ, दो बेल काफी होता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, बिफोर आफ्टर आपको दिख रहा है। जिसका भी ये माल है वो जैसे किसी को ये बोरी चाहिए, आप चाहते हैं पैक होके आए आपके पास, तो रवि भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर जी, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है रवि भाई का। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट बेल चाहता है बेल भी मिल जाएगी, कोई चाहता है कि प्रेस हो जाए, टैगिंग हो जाए और सीधा मैं दुकान पे रख के माल बेच दूं, जी हाँ, तो वो सुविधा भी रवि भाई प्रोवाइड करते हैं। अब आपको माल दिखा देते हैं थोड़ा और, कि जीन्स किस तरीके के निकलने वाली है, क्वालिटी चेक करवा देते हैं। रवि भाई थोड़े ब्रांड भी दिखाते रहना कस्टमर को। ठीक है, आप देखते हैं, ये देखें, ये ब्रांड है, ये ब्रांड का ही बटन है, चेन बहुत शानदार स्ट्रेचेबल, एक बार पकड़ लो साइज उस तरफ से। ये देखें, ये देखो दोस्तों स्ट्रेचेबल जीन्स है। ठीक है, ये है 1500 की और ये है 140 रुपए की जीन्स सिर्फ। अब आप देखिए कि आपको किस चीज में काम करना है। ये देखिए, ये पीछे का टैग है बिल्कुल नया। ठीक है, ब्रांड आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई जीन्स है, इसमें निकलती है ए ग्रेड की पहचान यही होती है भाई, सही बात है। यस, ये देखो दोस्तों आसन बिल्कुल नया, ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री में तो उठा के ले आया माल। ये देखो दोस्तों, एक सेकंड रुक जाना। ये देखो दोस्तों ब्रांड आप देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है आप नहीं पहचानते हो, ऑनलाइन सर्च कीजिए। यही चीज कोरिया में भाई बहुत महंगी बिकती है, 5-5 हजार रुपए की जीन्स होती है। और इसीलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया उन लोगों के लिए भी और ये सपोर्ट करने के लिए, जो यूजुअली क्या होता है कि कोई एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जी हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जी। यहाँ पर क्या है, 25,000 भी आप लगाओगे, 20,000 भी लगाओगे, आप स्टार्ट कर सकते हो अपना पर्सनल बिजनेस, स्टार्ट कर सकते हो, वैरायटी बना सकते हो। ये देखो अब तक जितने पीस होता है सबके कलर अलग थे, साइज अलग थे। जी हाँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप रिटेल होलसेल मार्केट में जाते हैं सेट वाइज माल मिलता है। एक जीन्स के आपको 6 जीन्स खरीदनी पड़ती है, एक जैसे डिजाइन के अलग अलग साइज, और यहाँ पे सारा आपको ब्रांडेड मिलेगा। और 25,000 रुपए में काम शुरू, मतलब 25,000 का माल रवि भाई 50,000 तो बना देता कम से कम, कम से कम है ना, जितने खरीद रहे हो उतने का आपका प्रॉफिट इजीली हो ही जाएगा। आपके सामने पीस खुल रहे हैं, देखो आपके सामने बेल खोली है, और आप खुद क्वालिटी चेक करो कि क्या इसके अंदर है। ये देखो दोस्तों ऐसे पीस कहीं नहीं मिलेंगे। और ये सबको पता है कि ब्रांडेड जो जीन्स होती है ना उसके अंदर ही वॉशिंग केयर आता है। ये देखिए, ठीक है, ये देखो वॉशिंग केयर वगैरह सब मिलेगा, सब जीन्स कुछ में। ये देखो पूरी साफ सुथरी, यहाँ पर जिसका लक अच्छा होता है ना उसके अंदर टीआर लिवाइज ऐसी भी जीन्स निकल जाती है। जी हाँ, हो सकता है इसमें भी हो, हो सकता है इसमें भी हो। और ऐसा मान लो वो जीन्स 16-16 हजार की होती है, तो 2 जीन्स में आपकी बेल की कीमत पूरी हो जाती है। यस, ये देखिए दोस्तों ब्रांड आप देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, बिल्कुल नई जीन्स है, बस प्रेस होने की देरी है, बस प्रेस होने की, बहुत शानदार। चलो बीच से निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो दोस्तों बीच में से भैया ने निकाल के दिखाया, यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। देखो 5-10% डिफेक्ट बोला था, अब तक 1% डिफेक्ट नहीं निकला, सारा आपके सामने है। ये देखिए बेल्ट पे डिजाइन है, पॉकेट और दिखा दीजिए, इसकी बैक पॉकेट भी बहुत शानदार लग रही थी। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितनी शानदार बैक पॉकेट है। ये आपको मिलने वाली है सिर्फ 150 से 140 रेडी होकर, 140 रेडी होकर, 140 रेडी होकर। लेकिन परचेज आपको पूरी बेल खरीदनी होगी, ऐसा नहीं है कि कोई 10 पीस दे दो भैया 40 पीस दे दो,
पूरा बेल आपको परचेज करना होगा अगर रवि भाई से आपको परचेज करना है तो। क्यों रवि भाई, सही बात है, एग्जैक्टली ये देखो बटन देखो बिल्कुल नया, सब चीज नई एकदम, पूरी साफ सुथरी कलेक्शन हम लोग देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर कस्टमर का, मैंने ये फीडबैक देखा अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस से, मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर्स रेडी है पैसे देने के लिए, बस उनको माल अच्छा चाहिए और माल मिलता नहीं आसानी से। जी हाँ, और जहाँ मिलता है वो है रवि भाई, रवि भाई के पास आओ, सामने बेल खोल के दिखा रहे हैं तो इससे ज्यादा आप क्या हालोगे, सामने बेल खोल ही दिया, ठीक है। अब होता क्या है, ये देखो 36 वेस्ट का पीस है, लेकिन ज्यादातर 32 से 34 28 30 निकलते हैं, 36 34 ये जो होते हैं 10 12 पीस होते होंगे पूरी बेल में ना। हाँ, कमी होते हैं, ये कमी होते हैं, ज्यादातर छोटे पीस इसमें निकलने वाले हैं। और इसमें रवि भाई रगेड भी आती है जो पूरा कटाफटा होता है। हाँ, उसका अलग बंडल होता है। अच्छा, उसका बेल अलग होता है, इसके अंदर नहीं होगा, ये सारी प्लेन जीन्स है, ठीक है। अगर आपको रगेड चाहिए वो भी मिल जाएगी, उसके प्राइस में थोड़ा फर्क होता है, उसकी प्राइस सेम होती है लगभग। ये देखो दोस्तों बिल्कुल नया, बिल्कुल पूरी साफ सुथरी जीन्स है, बहुत शानदार। और सारे व्यूअर्स ने तो हमारे पुराने वीडियो में रेडीमेड पीस और रेडीमेड ये प्रेसिंग का सेटअप भी देख लिया, राइट जी। इस वीडियो में भी हमने दिखा दिया है, ये देखो इसमें कम से कम एक बेल में कितने पीस निकल जाते हैं रवि भाई, एक बेल में कम से कम पौने 200, यस 200 तक लगभग निकल जाते हैं, 200 तक पीस निकल जाते हैं, ये देखिए, ठीक है, हैवी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, 200 तक पीस निकल जाते हैं इसमें, क्वालिटी आप देख लीजिए, सारा ब्रांडेड है, ठीक है, पैंचे वगैरह देख लीजिए, कहीं से कुछ नहीं घिसा हुआ, कुछ नहीं, पूरी साफ सुथरी कलेक्शन यहाँ पर देखिए, बहुत ही शानदार पीस है। तो रवि भाई अगर कोई परचेज करना चाहते हैं आपसे ये जींस, जी तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें या कॉल करें, और साथ ही साथ हमारे जो पर्सनल चैनल वैदिक एंटरप्राइजेस पानीपत, उसको भी सब्सक्राइब करें, उनको फॉलो करें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप जो इसी नंबर जो नंबर देख पा रहे हैं आप, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और स्टेटस भी रेगुलर चेक कर सकते हैं, ताकि कुछ नई चीजें आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो अगर ऑर्डर करना है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, जी हाँ, ठीक है, आपको बेल दे दी जाएगी, पूरे इंडिया में डिलीवरी रहती है, पूरे इंडिया में, इवन नागालैंड में आज आपने खुद देखा कि ये नागालैंड की भी डिलीवरी जा रही थी। जी जी जी। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यही एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड में कपड़ों का काम करता है तो उसके साथ वीडियो ये जरूर शेयर करें। ये देखें ब्रांडेड जीन्स आपको किलो के भाव में मिल रही है, सिर्फ 100-100 रुपए, 150-150 रुपए की ये जीन्सेस होने वाली है, सस्ते के चक्कर में कहीं और मत फंस जाना, ये चीज रवि भाई बेचते हैं, जी हाँ, लोग 80 रुपए 40 रुपए भी आपको बोलेंगे, कटा फटा वो माल होता है, गली भी जींस होती है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना, अगर पैसा इन्वेस्ट करना है अच्छी जगह कीजिए, अच्छी क्वालिटी लीजिए, जिससे आप दो पैसे बनाए और बिजनेस अपना करें। तो रवि भाई वीडियो को खत्म करें, जी हाँ खत्म करते हैं, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।